हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आप लोग देख रहे हो विनय टेक। तो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ स्मॉल फाइनेंस बैंक का फिक्स्ड डिपॉजिट रेट के बारे में फॉर द मंथ ऑफ जून 2023। तो रिसेंटली स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना न्यू एफडी रेट जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। तो क्या है नया फिक्स डिपॉजिट रेट स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा दिया जा रहा है, मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और आप लोग को पता चल जाएगा स्मॉल फाइनेंस बैंक का फिक्स डिपॉजिट रेट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आप लोग को नॉर्मल सिटीजन के बारे में बताऊंगा जो कि बिलो 60 इयर्स के हैं, और फिर मैं आप लोग को सीनियर सिटीजन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बैंक नेम 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर और 5 ईयर। मैंने यहाँ पे कोई भी 4 ईयर का कॉलम ऐड नहीं किया हुआ है क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही रहता है इंटरेस्ट रेट 3 ईयर से लेके 5 ईयर के बीच, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक 1 ईयर का जो है 7.25, 2 ईयर का 8.50, 3 ईयर का 7.35 और 5 ईयर का 6% यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 1 ईयर का जो है 8.25, 2 ईयर का 7.50, 3 ईयर का 7.20 और 5 ईयर का 7.20। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 1 ईयर का जो है 6.75, 2 ईयर का 7.50, 3 ईयर का 7.75 और 5 ईयर का 7% आप लोग को देखने को मिल जाएगा। सूर्योदय बैंक 1 ईयर का जो है 6.85, 2 ईयर का 8.25, 3 ईयर का 7.25 और 5 ईयर का 9.10। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक 1 ईयर का जो है 7.50, 2 ईयर का 7.80, 3 ईयर का 8% और 5 ईयर का 8%। उत्कर्ष बैंक जो है 1 ईयर का 7.75%, 2 ईयर का 8% और 3 ईयर का 8.25, 5 ईयर का 7.50। ESAF बैंक जो है 1 ईयर का 6%, 2 ईयर का 8%, 3 ईयर का 6.75 और 5 ईयर का 6.25% आप लोग को देखने को मिल जाएगा। इक्विटस बैंक 1 ईयर का जो है 8.20, 2 ईयर का 7.75, 3 ईयर का 8% और 5 ईयर का 7.25। यूनिटी बैंक 1 ईयर का जो है 7.35, 2 ईयर का 7.40, 3 ईयर का 8.10 और 5 ईयर का 7.65। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अगर आप लोग 1 ईयर का फिक्स डिपॉजिट ओपन करने जा रहे हो तो यहाँ पे जो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है वो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा, फिर आप लोग को इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक दे रहा है, फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिर फिनकेयर, यूनिटी बैंक और जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक आप लोग को अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और 2 ईयर्स में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग को देखने को मिल रहा है वो है सूर्योदय बैंक, फिर जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिर यहाँ पे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ESAF बैंक जो है 8% दे रहा है, फिर इक्विटस बैंक, फिर यहाँ पे उज्जीवन AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सब आप लोग को दे रहा है, ठीक है। कोई अगर 3 ईयर का FD करना चाहता है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा दिया जा रहा है, फिर यहाँ पे यूनिटी बैंक दे रहा है, फिर फिनकेयर बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.75, उसी तरह यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और 5 ईयर का आप लोग देख सकते हो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा जो कि 9.10 है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग को देखने को मिल रहा है फिनकेयर बैंक, फिर यूनिटी बैंक, उत्कर्ष बैंक, जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये आप लोग को देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ सीनियर सिटीजन का इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बैंक नेम 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर और 5 ईयर के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आप लोग को रीज़न बताया हुआ है क्यों मैं 4 ईयर का जो कॉलम है और ऐड नहीं किया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक 1 ईयर का जो है 7.95, 2 ईयर का 9%, 3 ईयर का 7.85 और 5 ईयर का 6.50। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 1 ईयर का जो है 8.75, 2 ईयर का 8%, 3 ईयर का 7.70 और 5 ईयर का 7.70। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 1 ईयर का जो है 7.25, 2 ईयर का 8.75, 3 ईयर का 8.25 और 5 ईयर का 7.50। सूर्योदय बैंक 1 ईयर का जो है 7.35, 2 ईयर का 8.51, 3 ईयर का 7.75, 5 ईयर का 9.60। फिनकेयर बैंक 1 ईयर का जो है 8.10, 2 ईयर का 8.50, 3 ईयर का 8.60 और 5 ईयर का 8.60। उत्कर्ष बैंक 1 ईयर का जो है 8.35, 2 ईयर का 8.60, 3 ईयर का 8.85% और 5 ईयर का 8.10। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक 1 ईयर का जो है 6.50, 2 ईयर का 9%, 3 ईयर का 7.25 और 5 ईयर का 6.75 आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इक्विटस बैंक जो है 1 ईयर का 8.46, 2 ईयर का 7.98, 3 ईयर का 8.24 और 5 ईयर का 7.45। यूनिटी बैंक 1 ईयर का जो है 7.85, 2 ईयर का 7.90, 3 ईयर का 8.60 और 5 ईयर का 8.15 आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग 1 ईयर का फिक्स डिपॉजिट ओपन करने जा रहे हो फॉर सीनियर सिटीजन केस में, देन यहाँ पे हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो है इक्विटस स्मॉल फाइनेंस के द्वारा, फिर आप लोग को उत्कर्ष बैंक दे रहा है, फिर
उज्जीवन बैंक दे रहा है 8.75 जो हाईएस्ट है, ठीक है। और बाकी आप लोग देख सकते हो यूनिटी बैंक, फिर जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सब आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। टू ईयर का आप लोग देख सकते हो जो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो है 9% जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा, फिर ESAF बैंक जो है 9% आप लोग को दे रहा है, फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय बैंक, फिनकेयर बैंक, उत्कर्ष बैंक, ये सब आप लोग को देखने को मिल जाएगा। थ्री ईयर का जो है 8.85% उत्कर्ष बैंक, फिर फिनकेयर बैंक और यूनिट बैंक आप लोग को हाईएस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक आप लोग को 8% अबव दे रहा है, ठीक है। और फाइव ईयर का जो है हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो है 9.60%, ठीक है, सूर्योदय बैंक के द्वारा दिया जा रहा है, फिर फिनकेयर बैंक, फिर उत्कर्ष बैंक, यूनिटी बैंक, ये सब आप लोग को देखने को मिल जाएगा, जो कि सीनियर सिटीजन के लिए एप्लीकेबल है। 60 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये था स्मॉल फाइनेंस बैंकों का सीनियर सिटीजन और नॉर्मल सिटीजन का इंटरेस्ट रेट के बारे में फॉर द मंथ ऑफ जून 2020। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा, प्लीज टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिना टेक। थैंक यू।